नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी, स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के रोस्टर क्लियरेंस के कारण ही आपका रिजल्ट लटका हुआ है। आज तारीख आपकी है 25 सितंबर 2024 की। इस नोटिफिकेशन के साइड में तारीख आप आज की देख भी पाएंगे। तो एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिला बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, और ये प्रेषक जो है यहाँ पर वो है पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा और सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी जो हैं, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बिहार के, उनको ये लेटर लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि प्रधान शिक्षक पद का जो आरक्षण रोस्टर है उसके क्लियरेंस के संदर्भ में प्रसंग क्या है। इस कार्यालय का पत्रांक 1244 दिनांक 6/8/2024 और 1609 दिनांक 23/9/2024 महाशय, इसमें बताया गया कि उपर्युक्त विषय प्रसंगाधीन पत्रों का कृपया स्मरण करें। उक्त पत्र के आलोक में आपके द्वारा उपलब्ध कराया गया जो संशोधित आरक्षण रोस्टर था उसकी समीक्षा की गई और समीक्षा के बाद ये पाया गया कि जो रोस्टर है वो तैयार करने के क्रम में आपके द्वारा प्राथमिक विद्यालयों की जो वास्तविक संख्या है उसका ध्यान ही नहीं रखा गया है। आप अवगत हैं कि जो प्रधान शिक्षक हैं इनका जो पद है वो सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक जो विद्यालय हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, ओनली जो 1 to 5 के हैं उनके लिए ही होता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में प्राथमिक विद्यालय जो हैं उनकी कुल संख्या के आधार पर ही आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों कतिपय विद्यालय जो हैं उनको मर्ज और डिमर्ज किया गया जिसका विधान आपके द्वारा जो है वो नहीं रखा गया है। फलस्वरूप प्राप्त जो आरक्षण रोस्टर है वो त्रुटिपूर्ण है। तो ये जो प्रधान शिक्षक है उसका एक अभी तो जो 1 to 5 6 से 8 इन सब का रोस्टर मिला ही नहीं है, परंतु जो रोस्टर मिला है उसमें भी आप देखें ये हाल जो है वो निकल करके आया है कि वो भी रोस्टर त्रुटिपूर्ण निकल करके आया है। ई शिक्षा कोष पर उपलब्ध प्राथमिक विद्यालय जो है उनकी जिलावार संख्या संबंधी प्रतिवेदन सुलभ संकेत हेतु उपलब्ध कराई भी अलग से जा रही है। सबसे पहले मर्ज डीमर्ज विद्यालय को ई शिक्षा कोष पर रत्न करते हुए आपके द्वारा जिले में जो प्राथमिक विद्यालय है उनकी संख्या का निर्धारण आवश्यक है, तदोपरांत उक्त संख्या के आधार पर आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाए। अंकनीय है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राथमिक विद्यालयों की जो संख्या है उसके आधार पर ही प्रधान शिक्षक पद का रोस्टर तैयार करके बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी पटना को उपलब्ध कराया जाए। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जिले में प्रधान शिक्षक पद की संख्या का निर्धारण प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 की वास्तविक संख्या के आधार पर करते हुए ई शिक्षा कोष जो पोर्टल है उस पर अद्यतन करें, तदनुसार आरक्षण रोस्टर तैयार करके जिला जो पदाधिकारी हैं उनसे अनुमोदन कराकर आज ही भेजना जो है वो सुनिश्चित भी करें। बाद में साइट में पंकज कुमार निदेशक प्राथमिक शिक्षा के वो भी यहाँ पर देख पाएंगे। अब एक अपडेट और आपको यहाँ पर आज ही की दिखाते हैं जिसमें TRE 3 के रिजल्ट में जो देरी है उसकी वजह अभी बना रोस्टर क्लियरेंस। तीसरे चरण के विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए अभी तक पूरा नहीं हो सका है रोस्टर क्लियरेंस, ये आज की अपडेट है। पटना से न्यूज में ये बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट है वो अभी तक जारी नहीं हो सका है, जबकि इसकी परीक्षा हुए महीने हो चुके हैं। दरअसल 50% जो आरक्षण है उसके हिसाब से जिलों से रोस्टर क्लियरेंस किया जा रहा है। हालांकि इससे संबंधित आदेश हुए भी करीब 2 माह हो चुके हैं लेकिन अधिकतर जिलों ने रोस्टर क्लियरेंस नहीं किए हैं। यही वजह है कि तीसरे चरण की नियुक्तियों की रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया जा सका है। सूत्रों के अनुसार अभी तक बमुश्किल से 4-5 जिलों ने ही रोस्टर क्लियरेंस करा करके अपनी जो रिपोर्ट है वो शिक्षा विभाग को जो है वो भेजी है। हालांकि शिक्षा विभाग ने एक बार फिर जिलों को रोस्टर क्लियरेंस करने के लिए जो है वो आदेश दिए हैं। ये TRE 3 को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक सुनवाई को लेकर के मैंने पहले तारीख बताई थी उसका लेकर के अभी तक तो अपडेट कोई फाइनल निकल करके नहीं आया है। वही आरक्षण को लेकर के जो 65% 50% मामला था उसकी अगर आप अपडेट देखेंगे तो अभी तक तारीख आज ही की आपको देखने को मिलेगी। अगर कोई उसमें अपडेट निकल के आती है तो आपको सूचित अवश्य करेंगे। यही था हमारे सोरल अपडेट में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।